वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट मज़ेदार से क्रिस्पी करारे पोटैटो बाइट्स बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखें हमारे पास आलू है, 3 मीडियम साइज के हैं, वेट जो है अराउंड 1 पाउंड के आसपास है, यानी आधा किलो। इसको हम मैश कर देते हैं। आलू को जनरली मैं बॉईल करने के बाद, ठंडा होने के बाद छिलका निकालती हूँ थोड़ा सा और फिर उसको यूज़ में लेती हूँ, तो उसका टेक्सचर अच्छा होता है। और ये हमारे गोल्डन पोटैटोज़ हैं। जो भी आलू आप पिक करें, बस कोशिश करें कि वो थोड़े से चिकने वाले हो, और ना होंगे तब भी बन ही जाएगा, लेकिन इसमें ज़रा ईजी रहेगा बनाने में। चलिए ये करते जाएंगे, हम सीजनिंग डाल के मिक्स करेंगे। तो यहाँ हमारे पास 1 टीस्पून भर के नमक है, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें हैं और 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं। और यहाँ हमारे पास 2 टीस्पून अनियन का पाउडर है। अगर आपके पास हो पाउडर तो सही है, अदरवाइज़ अनियन को ग्रेट करके और उसका पानी थोड़ा सा निथार लें और वो डाल दें 2 टीस्पून के आसपास। और साथ ही इसमें जाएगा 2 टीस्पून भर के ग्रैन्यूलेटेड गार्लिक का पाउडर। अगर आपके पास ना हो तो गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। चलें अब दोबारा इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं। ये इतने इजी है बनाना और इतने लाइफ सेविंग है कि आप इसको 2-3 महीने तक फ्रीज़र में रखें और जब भी बनाना हो, थाव नहीं करना है, कुछ नहीं, निकाल के नहीं रखना है, डायरेक्ट आप फ्राई कर लें और ऐसे ख़तरनाक क्रिस्पी करारे हो जाएंगे कि बच्चे और बड़े दोनों खुश हो जाएंगे। तो रमज़ान के लिए ये बेस्ट है, जब हमारा मुंह ख़राब होता है और कुछ ऐसी चीज़ खाने का दिल चाहता है। और कभी कभी क्या होता है कि हर वक्त कुछ ना कुछ बनाने का दिल नहीं चाहता है, तो जैसे समोसे बना के रख देते हैं, रोल बना के रख देते हैं, इसी तरह ये बना के रख देंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ तो उनसे भी ज़्यादा है। चलिए बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम डालेंगे इसका मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करने के लिए सूजी। तो यहाँ है 1 टेबलस्पून सूजी, ये डाल देंगे। और साथ ही हमारे पास है यहाँ 3 टेबलस्पून चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्नस्टार्च भी डाल सकते हैं, तो इससे क्रिस्पी बनेंगे। चले अब हमारा हाथों का काम शुरू हो गया। ये तो हमने स्मैश भी कर दिया, थोड़ा थोड़ा मिक्स भी कर दिया, और ग्लव्स पहनते हैं। तो बेसिकली अब हमें आलू को फील करना है, महसूस करना है कि उसका टेक्सचर क्या है, हमें क्या करना है, क्योंकि हर आलू अलग होता है। तो यहाँ देखिए मेरे पास ब्रेड क्रम्स है जो कि 3 स्लाइस मैंने ग्राइंड करके रखी है, तो ये देखिए डालते जाते हैं। तो इससे बेसिकली हमारी अच्छी सी बाइंडिंग होगी। जैसे आटा हमारा डो कैसे बनाते हैं, इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। चलें ये देखिए हमारी पूरी 3 स्लाइसेस चली गई और अब इसको हम जोड़ लेंगे। आटा जैसे कैसे टुगेदर करते हैं, इस तरह से कर लेना है। अगर आपका इस तरह से नहीं जोड़ता है तब आपको थोड़ी सी डबल रोटी की और ज़रूरत है। ये मेरा सही है। अब इस पॉइंट पर मैं 1 टेबलस्पून इसमें तेल डालूंगी। और बस इसको अच्छे से मिला लेंगे और चिकना कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से हो गया। अब इसके हम छोटे छोटे बाइट्स बनाना शुरू करेंगे। अब आपको जितना पसंद हो आप बनाएं, और मैं यूजुअली इस साइज़ के बनाती हूँ। इससे छोटे भी बनाए जा सकते हैं और इससे बड़े भी बनाए जा सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे। मैं आमतौर पे ये शेप बनाती हूँ। आपको ये शेप बनाना ज़रूरी नहीं है, आप बॉल्स बना सकते हैं, ओवल बना सकते हैं, आपको जैसा दिल चाहे आप बना सकते हैं।
ये तो बस ऐसा लगता है ये पकड़ा और ये यूं दबाया अंगूठे से तो बहुत झटपट निबट गया। चले ये लास्ट हमारा बाकी है और अब ये भी बाकी नहीं रहा। ये हो गया तो चले झटपट इसकी स्लरी बना लेते हैं। यहाँ देखें हमारे पास 1 टेबलस्पून मैदा है और उसमें हम डाल रहे हैं 4 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर जैसे कहते हैं, कॉर्न सूप बनाने वाला या अरारोट पाउडर भी ले सकते हैं। तो उसमें अब हम पानी डालेंगे और इसका एक बिल्कुल पतला घोल बना लेंगे, मैं बताऊंगी कितना। तो पानी डाल रहे हैं, तो देखें ये बिल्कुल इस तरह का घोल बन गया है जिसमें चम्मच में आपको थोड़ा सा वाइट पार्ट दिख रहा है, पूरा के पूरा ड्रेन नहीं हो गया है, इतना पतला है कि आप चम्मच में ये वाइट यूँ देख सकते हैं। तो ये हमारी स्लरी जो है वो रेडी हो गई है। और यहाँ देखें हमारे पास कॉर्नफ्लेक्स है, जो सिंपल सादा कॉर्नफ्लेक्स होता है ना वो है, ज़रूरी नहीं है लेना, अगर आप चाहें तो आप ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लेक्स लेने से कोटिंग जो है वो बहुत डिफरेंट लगती है और क्रिस्पी करारे लगते हैं, लेकिन ब्रेड क्रम्स से भी लगेंगे लेकिन थोड़ा क्रंच डिफरेंट होगा। तो यहाँ तकरीबन 3 कप है और मैं इसको हाथों से तोड़ लूँगी। चले देखें ये हो गया है और छोटा बड़ा पाउडर नुमा भी है, थोड़ा चंक भी है। चले तो अब काम शुरू हो गया है कोटिंग का, अब बड़ा झटपट सा होगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक एक अपना पोटैटो का बाइट लेंगे, स्लरी में डालेंगे और स्लरी में डालने के बाद ये डाल देंगे हम अपनी बैग में। चले एक लाइन मैंने ले ली है, अब इसको शेक कर लेंगे और अब निकाल लेंगे। ये देखें कोटेड हो गए, देखिए छोटे छोटे गए थे मोटे मोटे हो गया है। अब सेम इसी तरह से ईच लाइन करती जाऊंगी। चले अब इसको हमें फ्रीजर में रखना जरूरी है आधा घंटा, तो चले आधा घंटे के लिए इसे फ्रीजर में रखते हैं। देखिए आधा घंटा हो गया, पोटैटो बाइट्स को फ्रीजर में से लेके आते हैं। देखिए ये ऑलमोस्ट फ्रीज हो गए हैं, एक्स्ट्रा जो है वो जिपलॉक बैग में निकाल के रख सकते हैं अगर आपको नहीं खाना है, फ्यूचर में खाना है, 2-3 महीने तक मज़े करने हैं। तो ये देखिए मैं इस तरह से रख देती हूँ और ये इस तरह से सेपरेट सेपरेट रहेंगे, तो बेसिकली काफ़ी लंबे अरसे तक आप इसको फ्रीज करके इंजॉय कर सकते हैं, जब दिल चाहे जितने बनाने खा लिए। तो चलें अब मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा तेल जो है वो गर्म हो गया है, तो बेसिकली कोई भी स्क्यूवर डाल के देख लें या कोई वुडन का चम्मच, तो ये बबल जो है डालने के बाद ये इस तरह से आने चाहिए। तो चले अब हम डालते हैं। तो जितने आपके पैन में गुंजाइश हो इतने आप डाल लें और एज यूजुअल शुरू में बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। अब 1 मिनट हो गया है, तब इसको हम हल्का हल्का चलाएंगे। और अब इसको क्रिस्पी करा रहो जब तक फ्राई कर लेंगे, ये जो गोल्डन कलर आया है इसे थोड़ा सा और गहरा हो जाएगा, ये 2-3 मिनट और फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है, तो बस इसको अब हम निकाल लेते हैं। देखा आवाज़ सुनी आपने कैसी क्रिस्पी करारी, तो बस अब चेक कर लें दोबारा टेम्परेचर वही है
क्योंकि पहले तो हम जब डालते हैं तो ठंडा ठंडा होता है ना, तो या तो डाउन भी हो सकता है या कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बहुत ज़्यादा हीट अप हो गया, तो मेक श्योर कर ले वही वाली हीट आ रही है, तब इसको दूसरे बैच को भी डाल दें। देखे ये सेकंड बैच भी हो गया है, तब इसको हम डाल देते हैं। देखा कैसी खड़ाके धड़ाके जैसी आवाज़ें हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। तो देखा कैसे झटपट हमारे ज़बरदस्त से क्रिस्पी करारे पोटैटो बाइट्स बन गए, मानते हैं आप? और सबसे बेस्ट पार्ट ये कि बनने में तो इजी है, फ्रीज़ करना उससे भी ज़्यादा इजी है, और दो चार महीने तक मज़े करना, आहा, माइंड ब्लोइंग। ख़ासतौर से जो रमज़ान आने वाले हैं इसमें तो बहुत ही काम आएगा, छोटा मोटा जो स्नैक टाइप का बन जाता है ना रेडी टू गो। तो चलो मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लक कैसा रहा है। ऊपर से खतरनाक क्रिस्पी और अंदर से गुई। और ये आप लोगों के लिए माइंड ब्लोइंग, बच्चे बड़े सब खुश हो जाएंगे। बस मैंने जैसे बताया ना, बाइंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि आटा गूंदा हुआ लगना चाहिए आपको, जैसे मेरा टुगेदर हो गया था ना। अदरवाइज अगर आपके आलू कह रहे हैं तो थोड़ी सी स्लाइस और डाल सकते हैं आप, या थोड़ी सी सूजी डाल सकते हैं कि अब्जॉर्ब हो जाए। बाकी बनाएं, झटपट बनेंगे, मज़े करेंगे और मज़े करवाएंगे आप लोग। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।